इस वीडियो में देखेंगे टूरिस्ट भाई, जो टूरिस्ट पुलिस है वो भाई आए हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं बर्फ देखने के लिए। तो बर्फ देखो ना, देख रहे हैं हम इधर रह जाओ। नहीं नहीं जाएंगे, ये मुश्किल के साथ बाइक लेके जा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल के साथ। ठीक है, आपने धक्का भी लगाया, सब कुछ किया, भाइयों वाला काम किया आपने। तीन साल पहले एक गाड़ी गिरी थी, तो उसके बारे में बताएं। इधर से गिरी थी? हाँ, तो वो अपनी धुन में थे जी जी, तो उनका टायर नीचे गया, तो वो तीनों भाई थे नीचे इधर से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सर बहन भाई खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। आज इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, तो आज की वीडियो इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा इस टाइम किस जगह मौजूद है। तो आज का जो सफ़र है इस पार्ट में होने वाला बहुत ही मुश्किल और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। आज का जी हम 4 दिन पहले जो है ना हम आए थे तोलीपीर बर्फ़बारी स्नोफॉल देखने के लिए। तो इधर आके हैवी स्नोफॉल हुई है, इधर आके हम फंस के ना वापस जा सके घर और ना ऊपर तोलीपीर टॉप के लिए जा सके। तो सीन कुछ इस तरह आया गया, फिर हमारा टूरिस्ट पुलिस जो है उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने फिर रेस्क्यू किया हमें। तो इससे पहले जो पार्ट था बड़ी मुश्किल से हमने 1 किलोमीटर 4 घंटे में तय किया, 4 घंटे या 5 घंटों में, बड़ा मुश्किल था हमारा सफ़र। लाजमी वो भी पार्ट आपने ज़रूर देखना। बाकी चलते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जिन्हें बहन भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए उनको रिक्वेस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाकी चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वापसी का जो सफ़र है वो जारी है, और इस साइड देखें जी हमारा एक बाइक आगे चला गया और एक भाई हमारे साथ हैं पुलिस वाले और एक बस बाइक के साथ हैं। तो इस जगह जो है ना बहुत हैवी किस्म की जो है स्नोफॉल पड़ी हुई है, कम से कम 2 से 2.5 फुट जो है ना पड़ी हुई है। बाइक जो है ना बहुत ही मुश्किल होकर जा रहा है, इधर से है ढलाई है, लेकिन यह है कि शाम का टाइम होने वाला तकरीबन 4 हो गए, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। एक भाई हमारे साथ जो है ना एक भाई आगे चले गए, वो बाइक लेके चले गए। बाकी जी साथ साथ आपको नई अपडेट दे रहे हैं। तो बस जो है ना और तकरीबन 1 घंटा मेरे अंदाजे से लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा इधर से आगे। जो कह रहे हैं कि कोई मशीन जो है रोड क्लियर करने वाली वो आई हुई है, कोई पता नहीं झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्या सीन है कोई पता नहीं, खुद जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे। ज़्यादा देखें कितनी हैवी किस्म की जो है स्नोफॉल पड़ रही है। जी ब्रेम भाई चलाने गए बाइक बंद कर गई क्योंकि उतराई है, उठी चली जाएंगे बाइक। मैं हाल ही जिस दिन टूर पर आया ब्रेम भाई पहले चलाने, ब्रेम भाई पहले चलाने पे मुश्किल है। अच्छा तो वीडियो बनाने पर से हम मुश्किल थे चल, लेकिन आगे फ्रंट ब्रेक नहीं मारनी,
चलो जैसा जरूरत को है मारनी है लेकिन कंट्रोल करना फ्रंट को। अच्छा कहीं से उतराइए बाकी गिरने ना चांस। लाइट बंद कर छो, लाइटा बलिया भी बाकी त्यार था बिल्कुल आस्ता। दूसरा बाइक जी चला गया आगे रोड चेक करने से इस साइड पर और तरफ माफी बात ठीक है। बाकी हम अगे चलने नाल लंसों की दसने बहुत मुश्किल है। वैसे बादशाह स्लिप ही चलाना और गल है लेकिन बर्फ चलाना बहुत मुश्किल है ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है। चलो ये चंगा होया कि आज मौसम साफ सी, बारिश वगैरह नहीं सी। जे अगर बारिश वगैरह होनी तो फिर भजन दिन अस मैं फिर इतनी सी, पहले ही 4 दिन हो गए थे ठीक है। अच्छा कहना जी ब्रेम भाई आस्ता आस्ता बाइक लाएगा जाने पर, अस पिछे रह गए लेकिन क्योंकि ढलाई सी तो बाइक तो स्पीड ना गया। अच्छा कर मोड़ क्रॉस कर जाके चल रहे हैं। अच्छा कर फाइनल जी रास्ते में पहुँचे। इससे पहले मैंने जो है बाइक ड्राइव किया, बाइक की जो हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो रास्ते में पहुँचे जो गाड़ी थी जो रोड को क्लियर कर दिया वो भी हमें नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको जो है ना दिखाऊँ। तो ये है जी इस घर के पीछे गाड़ी, अभी अपना काम कर रही है। इससे आगे जो है ना हमारा सफ़र जो है ना ठीक हो जाएगा। ये चेक करें जी लेकिन ये बताऊँगे इससे ज़्यादा स्लिप होता है इस पर जो है बाइक ना स्लिप नहीं करता, इस पर जो है ना गिरने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अभी देखें दोबारा आ रही है, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ। जी तो देखें जी इस साइड तो रोड क्लियर हो गई है लेकिन फिसलन बहुत ज़्यादा है, गिरने का ज़्यादा ख़तरा, स्लिप बहुत ज़्यादा हो गया। और रोड तो उन्होंने क्लियर किया है लेकिन यह कि सिर्फ अकेला बंदा जो है इस बाइक पर जा सकता है, तो ये चेक करें। ओए होए 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 ठंड भी बहुत ज़्यादा जनाब। बाकी इधर कोई हमें थोड़े थोड़े मकान नज़र आए, पीछे तो सारा जंगल ही था। लेकिन भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है आपने धक्का भी लगाया, सब कुछ किया, भाइयों वाला काम किया आपने। ठीक है मुझे ये बताएं कि टूरिस्ट अभी आ सकते हैं फिर रोड के लिए? अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी मुश्किल है गिरने का खतरा है, फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है। तो पैदल आ सकते हैं, ये जगह देख सकते हैं बिल्कुल जी। लेकिन अभी चलते हैं नीचे का गपशप लगाएंगे, क्या कहते हैं, सर्दी बहुत हो गई है तो नीचे चल के गपशप लगाएंगे। बाकी ये क्लियर करके जो साथ जो है साथ साथ कर रहे हैं लेकिन आगे ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह रोड। जी तो ये भाई बताएंगे आज से तकरीबन 3 साल पहले एक गाड़ी गिरी थी तो उसके बारे में बताएं। इधर से गिरी थी? हाँ वो म्यूजिक लगा के आ रहे थे। अच्छा बस तो जिंदगी मौत की बात भी होती है, तो वो अपनी धुन में थे जी जी, तो उनका टायर नीचे गया तो वो तीनों भाई थे नीचे इधर से नीचे चले गए। अच्छा तो दो की तो डेथ हो गई, जो एक जो बच गया एक बचा था। अच्छा ठीक हो गया। इधर से जो है गाड़ी आ रही थी तो बिल्कुल स्लाइडिंग एरिया, ये चेक करें, ये चेक करें इधर से नीचे की थी। तो बाकी आपको बताऊँगे मैं और भाई जो है ना पैदल चल रहे हैं और दूसरे भाई जो है हमारे चले गए, 3 तो पहले आगे चले गए और मेरे भाई जो है
वो बाइक लेके गए, हमने कहा कि पैदल जाएंगे। बिल्कुल यही बात है। कितना टाइम लगेगा इधर से? इधर से आपको मेन शहर तक ये चलने पे डिपेंड है, तो वैसे बाइक का यहाँ से अगर रोड साफ हो ना, अच्छा, तो 10 मिनट का सफर है खाई गले तक। 10 या बाइक पर जाएं तो बाइक वैसे आधा घंटा कर ले आम दिनों में। अच्छा, लेकिन अभी रोड नहीं ठीक है, तो ये हमें आधा घंटा और चलना पड़ेगा जी। ये देखें जी, बर्फ में चल रहे हैं हम, तो हमें इससे भी ज्यादा चलना पड़ेगा। अच्छा, घंटा घंटा कर लेंगे। शाम भी होने वाली है, और ये बताऊँ उन्होंने साफ तो किया है, लेकिन अगर फिसलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उधर चल रहे हैं। गिरने का बहुत खतरा है, ऐसे ढलाई जो आती है ना, तो जो आप वो स्लिप करते हैं। लेकिन जी साथ साथ आपको अपडेट दे रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, जिला बेंबर से? जिला बेंबर से, जिला बेंबर तहसील समानी, तहसील ब्रिंग, तहसील समानी। अच्छा समानी, अच्छा, तो वो भी पहाड़ है, मैंने पहाड़ों पर फिरना। बर्फ देखने के लिए आए थे? बर्फ देखने के लिए। तो बर्फ देखो ना। देख रहे हैं हम, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, जाएंगे हमारे साथ, रह जाओ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाकल्ला जी, जाकल्ला जी। देखे जी, इधर के मुकाम लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कह रहे थे कि बुजुर्ग हमारे पास जो है ना रह जाए, हमारे पास जो है ना स्टे करें, लेकिन हम जाएंगे आगे जी। इस साइड देखें, इस साइड बहुत सब चोर बना हुआ है, इतिहास से चलना पड़ेगा। हमारे दोस्त भाई जो है ये आगे खड़े हैं, और ये दूसरे दोस्त मेरे अंदाजे से वो आगे खड़े हैं, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये जो है चेक करते हैं जी क्या सीन है। हमें जो है धोखा हो गया, जो हमारे दोस्त थे वो पहले चले गए, ये कुछ और भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो ये अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वापस, तो हमारे जो दोस्त थे वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम, जी तो अलहमदुल्ला असा खाई गला बाजार पहुँच आया, सुबह 9:30 बजे निकले सा, अपने सफ़र स्टार्ट किया सी, ते शाम 6:30 हो गए। बिल्कुल जी, अपने बाइक है खड़े किए, बैक सैट नज़र आना से थोड़ा बहुत, बाकी इतना एक इन्होंने दफ्तर है जी, पुलिस है, टूरिस्ट पुलिस, AJK टूरिस्ट पुलिस, आज़ाद कश्मीर जी टूरिस्ट पुलिस है, इन्होंने दफ्तर है, दफ्तर जा रहे हैं। तो बाकी सेफली जो बाकी चाहिए बचत हो गई है, तो बाकी जगह इतने तक सो इतना इस बाजार ने अंदर भी बर्फ पी है, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की स्लो फॉल हुई है, सोचा भी नहीं कि इतनी स्लो फॉल हो सी, लेकिन अब वो हैवी किस्म ही। तो बाकी जो सीन ये है कि बाकी इनके दफ्तर में चलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, इनसे गपशप लगाएंगे। तो ये जो भाई थे हमारे साथ दो टूरिस्ट पुलिस, हमारा इन्होंने फुल साथ दिया है, उधर से जो है ना हमारे बाइक इन्होंने चला के भी लाए और धक्का भी देते रहे बाइक को। तो बाकी चलते हैं जी इनके दफ्तर में, ये ऊपर ही तो दफ्तर है, तो उधर चल के आपसे गपशप होती है फिर। फाइन जी, इनके ऑफिस में हम पहुँचे हैं, बाकी चलते हैं इनसे इस्लाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली हम जो है रूम में आ गए, उधर जो भाई थे पुलिस वाले और टूरिस्ट पुलिस वाले उनसे गपशप हुई है। इस साइड देखें, जो रूम में जो सहूलियात हमें दी गई हैं, ये क्या कहते हैं इसको, हीटर हो, गीजर, टीवी, नेट, शेट, सब कुछ, सब कुछ। लेकिन खाई गला में ये रेस्टोरेंट है, और ये टूरिस्ट पुलिस वालों ने हमें खुद आए वो रूम लेके दे के गए, किराया मुनासिब करा के गए, और भी उन्होंने खाने के लिहाज से भी हर चीज़ उन्होंने कहा कि आज हम आपको अपने स्कूटी में सब कुछ कराएंगे। बिल्कुल, तो माशाल्लाह बहुत ताउन किया उन्होंने, का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करता हूँ आजी साहब का भी, जो जिन्होंने इस मामले में खुद इंटरेस्ट लिया और सबको अलर्ट करके इस मामले में हमारी हेल्प की। बिल्कुल जी, तो बाकी जो है ना आप साथ साथ देखते रहें, पूरी वीडियो देखी होगी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक जुड़े रहें, हमारी वीडियो फुल वॉच की है, थैंक यू सो मच। आपका भी गांव में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे इससे अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फी अमानिल्लाह।